अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी नंबर की अगर आप पावर जीरो करते हो तो आप ये ऑब्जर्व करते हो कि हम उसका आंसर वन लिखते हैं। रीजन डिस्कस करेंगे कि वन क्यों लिखते हैं। सबसे दो रीजंस मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, एक लॉजिकली लेके चलते हैं, बाद में आप लोगों को मैथमेटिकली भी बता दूंगा। लॉजिकली इसकी रीजन ये होगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिखूं 2 की पावर 4 तो 16 होता है, इसी तरीके से 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 की पावर 1 2 के बराबर होगा। आप यहां पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आ रहा है, 2 की पावर 4 16 है, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 8 आएगा जो के बराबर होगा 2 की पावर क्यूब के, 8 को अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो 4 आएगा जो के बराबर है 2 के स्क्वायर के, अगर 4 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास 2 आएगा जो के बराबर है 2 की पावर 1 के। इसी चीज को अगर आप लॉजिकली आगे लेके बढ़ो तो जब आप 2 को डिवाइड करोगे 2 से तो आंसर आएगा 1, जो कि लॉजिकली किसके बराबर होना चाहिए, 2 की पावर 0 के बराबर होना चाहिए। और ये पैटर्न आप किसी भी नंबर के साथ दे सकते हो, सिर्फ 2 नहीं है, कोई नेगेटिव नंबर लो, पॉजिटिव नंबर लो, 0 नहीं आप ले सकते, क्योंकि 0 की पावर 0 जो है ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, इसको 1 नहीं कर देना। बाकी कोई भी आप नंबर लो, 2 हो मतलब कोई पॉजिटिव नंबर हो ए, या ए कोई नेगेटिव नंबर हो, आप जब भी पावर 0 करोगे आंसर 1 के बराबर आएगा। ये चीज हमने लॉजिकली देख ली, एक पैटर्न देख लिया जिसके तहत हमने देखा है कि 2 की पावर 0 1 के बराबर है। आप किसी भी नंबर को बेस बना के इस चीज को लॉजिकली प्रूफ कर सकते हो। मैथमेटिकली प्रूफ करना इतना मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों के सामने लिखूं कि 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि न्यूमरेटर में 4 2 है जिसको आप इस तरीके से लिखोगे, डिनोमिनेटर में 2 2 है, सही है, आप इन 2 2 से कैंसिल कर दोगे, ऊपर क्या बचेगा, मतलब आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 स्क्वायर के बराबर है, मतलब 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर ये बराबर होता है 2 स्क्वायर के। मतलब इस चीज को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, जो हम बचपन से इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं वो ये है कि अगर आपके पास इस तरीके से फ्रैक्शन लिखी हुई है तो आप क्या करो, ये जो नीचे वाली चीज है इसको ऊपर लेके आओगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, तो ऊपर आके पावर क्या हो गई, -2। फिर हमने रूल पढ़ा था अलजेब्रा के अंदर, बेसिस सेम है, आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो ये 4 -2 क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर। तो ये चीज आप लोग करते हुए आ रहे हो, अभी तक आप लोगों ने ये काम किया है। अब इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, कैसे अप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2 को डिवाइड करो 2 से तो आंसर क्या आता है, 1 के बराबर आता है, ठीक है। यहां पे ऊपर भी 2 की पावर 1 है, नीचे भी 2 की पावर 1 है, अगर आप नीचे वाली जो 2 की पावर 1 है इसको ऊपर लेकर आओगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, मतलब -1 हो जाएगा ये, ठीक है। बेसिस सेम, पावर को ऐड करवाओ 1 -1 मतलब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -1 है, बेसिस सेम है, पावर ऐड करवाओगे 1 -1 क्या होता है, 0 के बराबर। तो ये हो गया 2 की पावर 0, और शुरू में आपने देखा था ये पूरी चीज किसके बराबर थी, ये 1 के बराबर थी, इसका मतलब 2 की पावर 0 भी है। मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड को आप क्या लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को आप लिख सकते हो 2 की पावर 0 जो के बराबर हो गई 1 के। ये कॉन्सेप्ट लेके आप चल सकते हो, अगर आप जनरलाइज प्रूफ करोगे इस तरीके से, तो ए अपॉन ए क्या होता है, 1 के बराबर, अगेन ऊपर ए की पावर 1, नीचे जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। बेसिस सेम, पावर एड करो, रिजल्ट जो है 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहां हम कंक्लूजन स्टूडेंट को बताते हैं कि जब भी आप किसी नंबर की पावर 0 लोगे तो आंसर क्या होगा, हमेशा 1 के बराबर। मैंने एक एक्सेप्शन बता दी है कि वो नंबर 0 नहीं हो सकता, 0 की पावर 0 जो है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आई होप आप लोगों को बात समझ आई होगी, कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।